गारंटी ले लो, इस रेसिपी को अगर आपने 10 दिन तक खा लिया ना, तो बिना दौड़े या बिना एक्सरसाइज के आप पतले हो जाओगे, क्योंकि ये रेसिपी जितनी ज़्यादा देखने में और खाने में स्वादिष्ट लग रही है, उससे कई गुना ज़्यादा ये हेल्दी है। मतलब आप इसे पेट भर भी खाएंगे ना, तो भी आपका मन नहीं भरेगा। इसकी खास बात यह है कि बिना चावल डाले ये बनकर तैयार होता है। बस एक कटोरी खाएं और पूरे दिन आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि अपना सारा काम कर सकेंगे। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो आज की ये सुपर हेल्दी और सुपर डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मूंग की दाल। मैंने यहाँ पर ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। और अब क्या करेंगे, इन दालों को बढ़िया से हमें वॉश कर लेना है। आप यहाँ पर मूंग दाल के बजाय और भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूंग दाल वेट लॉस में बहुत कारगर है, इसलिए मैंने यहाँ पर मूंग दाल का ही यूज़ किया है। अच्छी तरीके से दाल को धोकर हम डाल देंगे कुकर के अंदर, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक कप जितना पानी। मैंने यहाँ पर आधा कप दाल के साथ एक कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लगभग आधी छोटी चम्मच, और स्वाद के हिसाब से नमक। तो नमक हमने जितना डाल लिया है उसी हिसाब से डालेंगे। और चलिए सीटी लगाएंगे, तो ढक्कन लगा देते हैं और एक सीटी आने तक हम इन्हें कुक करेंगे। दाल एकदम बढ़िया से कुक हो जानी चाहिए। चलिए इसको रखते हैं गैस पर, और अब बनाएंगे एकदम सुपर डिलीशियस और नया तरीके का मसाला। इसके लिए मैंने पैन गरम होने रख दिया है, उसमें एक छोटी चम्मच तेल डाला है और लगभग आधा कप जितना धनिए के बीज लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ढेर सारा मसाला बना रहे हैं, इसको हम स्टोर करेंगे। ये मसाला आपके बहुत काम आएगा, आप इसको सांभर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई जो भी साउथ इंडियन रेसिपीज़ आप बना रहे हैं, आप इस मसाले को डाल सकते हैं। तो आधा कप धनिए के बीज को हम इस तेल में डालकर बढ़िया से क्रिस्प होने तक भूनेंगे धीमी आंच पर। धनिए को ज़्यादा जलाना नहीं है और हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। जैसे ही धनिया हमारे क्रिस्प हो जाएंगे, हम इनको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। तो देख सकते हैं इनको हमने निकाल दिया है, बढ़िया से ठंडा करेंगे। सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल फिर से डाला है, आधी छोटी चम्मच। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून उड़द की दाल। आप यहाँ पर उड़द की दाल अगर नहीं डालना चाहते हैं तो मूंग की दाल भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें चने की दाल, 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें मेथी दाना, और 2 बड़ा चम्मच जीरा। ये देखें, सारे चीज़ों का मेज़रमेंट आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। अब इनको भी अच्छे से मिलाएंगे तेल में, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, और धीमी आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक कि दाल और मसाले बढ़िया से क्रिस्प हो जाएं और अच्छी तरीके से ये कुक भी हो जाए अंदर से। इसलिए धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इनको पकाना है हमें। तो देख सकते हैं जो दाल है हमारी आधी सिक कर रेडी हो गई है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा और कम कर देंगे और इसमें कुछ और चीज़ें हम ऐड करेंगे। मैं इस स्टेज पर इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सरसों के दाने, ये ज़रूर डालिएगा, इस मसाले में जान डाल देता है। अब डालेंगे सूखे हुए नारियल, थोड़े से लिए हैं मैंने, और इन दोनों चीज़ों को हमें तब डालना है जब दाल और मसाले बढ़िया से सिक जाएँ, क्योंकि जो सरसों के दाने और सूखा नारियल है वो जल्दी ही भून जाते हैं, इसलिए इनको लास्ट में डालें। और जब सारी चीज़ें बढ़िया से सिक जाएं तब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते। तो मैंने लगभग 2 बड़ा चम्मच करी पत्ता डाला है, अच्छे से मिलाएं और फटाफट से हम इनको निकाल कर अलग प्लेट में रख देंगे। करी पत्ते को ज़्यादा भूनना या गोल्डन नहीं करना है। सारे मसाले हमने भून लिए हैं, इसमें हम डाल देंगे लगभग 10 से 12 लाल मिर्चें, इनको चाहें तो भून सकते हैं या बिना भुने भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, इनको डाल देंगे हम एक साफ़ और सूखे मिक्सी के जार में। तो ध्यान रखें मसाले को बढ़िया से ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप जार में डालें, नहीं तो अगर गरम गरम पीसेंगे ना तो ये मसाले तेल छोड़ देंगे। चलिए इसमें बढ़िया सा कलर देने के लिए मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि लाल मिर्च के साथ जो हल्दी का कलर आता है ना वो बहुत ही गजब का होता है। अब इसे स्लो मोड पर या मिक्सी को रोक रोक कर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लें। और ये देखिए एकदम बढ़िया कलर, एकदम बढ़िया टेक्सचर और गज़ब की खुशबू के साथ हमारा ये स्वादिष्ट सा ये बीसी बेले मसाला तैयार हो गया है। आप इसे कई सारे साउथ इंडियन रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं, सांबर बना सकते हैं, रसम बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आप इस मसाले का टेक्स्चर देखिए, एकदम बारीक करना है हमें इनको, ये देखिए, और खुशबू भी इसकी बहुत औसम होती है। आप बाज़ार के मसाले भूल जाएंगे, किसी बाज़ार में रख के स्टोर करें। और चलिए इस मसाले का इस्तेमाल करके आज हम बनाएंगे बीसी बेले की ये रेसिपी, जो बनने वाली है अर्बन प्लेटर के रोल्ड ओट्स से। होल ग्रेन वाले ये रोल ओट्स फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हैं, और तो और आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं, जो आपके पौष्टिक नाश्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
इस होल ग्रेन रोल ओट से आप कई सारी रेसिपीज बना सकते हैं, और अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो आपको हाई एनर्जी तो मिलती ही है, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। आप इसे बेकिंग वाली रेसिपीज भी बना सकते हैं, जैसे कुकीज, बिस्किट एंड पिज्ज़ा, जो आप मेरी आने वाली वीडियोज़ में देख पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इन्हें खोल कर दिखाती हूँ कि जो ओट्स है वो बाकी ओट्स से डिफरेंस क्यों है। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए, इसके दाने देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये जो ओट्स है वो नॉर्मल ओट्स नहीं है, होल ग्रेन फाइबर और न्यूट्रिशन से भरपूर है। अर्बन प्लेटर के ये होलसम न्यूट्रिशन एंड हेल्दी रोल ओट्स यूरोप में उगाए और पैक किए जाते हैं। आप इससे बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, दलिया, ओटमील स्मूदी और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज की हमारी एकदम यूनिक सी रेसिपी इसी रोल ओट्स से बनने वाली है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम होने रख दी है, आप कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाती है इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तो चाहें तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, एक टेबलस्पून डाला है मैंने। जैसे ही तेल गरम होगा आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, एक या दो हरी मिर्चें ऐड करेंगे, तो जितना आपको तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डालें, क्योंकि ये रेसिपी हमारी बहुत ही चटपटी बनने वाली है। आपको ओट्स हमेशा सोचते होंगे ना, ओट्स से बोरिंग रेसिपीज़ बनती है, आज की रेसिपी देखने के बाद ओट्स से आपको प्यार हो जाएगा। तो मिर्च और जीरा हमारे बढ़िया से सिक गए हैं, अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो 3 टेबलस्पून में प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ, और प्याज को हल्का सा हमें सुनहरा करना है। ज़्यादा कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ पकानी नहीं है, जैसे ये हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें डालेंगे हम कुछ सब्जियाँ। तो इनको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून कटे हुए गाजर, 3 टेबलस्पून कटी हुई गोभी, यहाँ पर फूल गोभी का यूज़ किया है, आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हो या बच्चे नहीं खाते हो उनको खिलाने के लिए आप इसमें सब्जियाँ ढेर सारी ऐड करें। 3 टेबलस्पून ताजे हरे मटर के दाने ऐड करेंगे, और अब डाल देंगे इसमें बीन्स। तो बीन्स को मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ का काटा है, आप चाहें तो छोटा छोटा भी ले सकते हैं। और अब इन सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से भुनेंगे, लगभग 1 मिनट के लिए हमें इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनना है, जिससे कि सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर फ्लेम को कम करेंगे और ढक देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आइए चेक करते हैं, देखिए सब्जियां हमारी हल्की सी कुक हो गई हैं और इनके ऊपर ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स भी आ गए हैं, मतलब बढ़िया से ये क्रिस्पी होने लगे हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, तो एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, तो ध्यान रहे हमने जो मूंग की दाल कुक की थी उसमें भी हल्दी डाली थी, इसलिए थोड़ा ही हल्दी डालिएगा। और अब हमारा तैयार किया हुआ ये बीसी बेले मसाला लगभग 1.5 बड़ा चम्मच डालेंगे, आप यहाँ पर चाहें तो सांभर मसाला ले सकते हैं या फिर बाजार का भी मसाला ले सकते हैं, लेकिन इस मसाले से इस रेसिपी में इतना ज़्यादा गजब का स्वाद आएगा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अब डालेंगे 2 बड़ा चम्मच इमली का पानी, तो इमली को डाल करके थोड़ी देर मैंने पानी में छोड़ दिया था, फिर पल्प हटा दिया था। आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और अब सारी चीज़ों को धीमी आँच पर हम मिलाएंगे। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें हमें तब डालना है जब सब्जियां हमारी 50% तक कुक हो गई हों, नहीं तो खट्टेपन की वजह से सब्जियां जल्दी कुक नहीं होंगी। अब जब ये मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हमने यहाँ पर तैयार की हुई दाल, जो मूंग दाल हमने पकाई थी ना, ये सारी की सारी हम इस सब्जियों के साथ ऐड कर देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर तुअर की दाल भी ले सकते हैं पका करके। और अब इस दाल के साथ हम डाल देंगे 1.5 कप नाप करके पानी, और अब इन सारी दालों और मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर इनको उबाल आने तक हमें पकाना है। ये देखें, ताकि जो भी पानी डाला है, दाल डाली है, वो अच्छी तरीके से आपस में घुल मिल जाएं। ये देखें सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी हैं और बढ़िया उबाल आ गया है। तो अब हमने जो ओट्स लिया था, ये अर्बन प्लेटर का रोल ओट्स, ये पूरा 1 कप ओट हम इसमें ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे सब्जियां जब हमारी 80% तक कुक हो गई हों और पानी में अच्छा उबाल आ गया हो, तब हम इसमें ये ओट्स ऐड करेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से इस ग्रेवी में मिक्स करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ओट्स को डालकर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम कर कम करके 1 मिनट के लिए ढक के हम इनको छोड़ देंगे। और 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ओट्स अच्छी तरीके से इसमें घुल मिल गए हैं, टेक्सचर देखिए एकदम गजब का, और खुशबू तो बहुत शानदार है। चलिए इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे, सिंपल सा और बेसिक सा। तो उसके लिए तड़का पैन रख दिया है मैंने, 1 टेबलस्पून में देसी घी ऐड करेंगे, आप चाहें तो ये प्रोसेस हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीसी बेले वाला टेक्सचर और टेस्ट चाहिए तो आप ये तड़का ज़रूर डालिएगा। घी जैसे मेल्ट होता है, आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने, आधी छोटी चम्मच तिल और थोड़े से सूखे नारियल डालेंगे, आप चाहें तो काजू ले सकते हैं इसकी जगह पर। और जैसे ही तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, हम इसमें डालेंगे करी लीव्स थोड़े से, और इन सारी चीज़ों को अच्छा सा भून लीजिए।
इसमें कोई प्याज और लहसुन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ये क्रैकल हो जाते हैं एक लाल मिर्च है इसमें ऐड करेंगे हम। इसमें देखिए सूखी हुई लाल मिर्च है और इसको सबसे लास्ट में डालिएगा, और जैसे ही सारी चीज़ें भुन जाएंगी हम इसमें आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे, तो हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। हींग को डालकर हम फटाफट से इनको मिक्स करेंगे और अब इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस मज़ेदार से तड़के को डालेंगे हमारे बीसी बेले भात के ऊपर। तो देखिए एकदम मज़ेदार, सुपर डिलीशियस और सुपर हेल्दी ये बिना चावल की बीसी बेले भात हमारी ओट से बनकर तैयार है। ढेर सारे धनिया के पत्तों से गार्निश करें और चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस और सुपर डुपर हेल्दी हमारी ये बीसी बेले भात बनकर तैयार है बिना चावल की। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, जब भी आपको मन करे आप इसे बना सकते हैं। खाते खाते आपका पेट भरेगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, इतने ज़्यादा ये डिलीशियस बनते हैं। बस एक कटोरी आप इसे नाश्ते में खाएं, आपको सुबह सुबह इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा कि आपको कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कटोरी में खाएं या प्लेट में इस तरीके से आप सर्व करें। कैसी लगी आपको ये बीसी बेले भात की रेसिपी ज़रूर से कमेंट करके बताएं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर बनाना। इसे देखने के बाद मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिए, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और मुझे अपना प्यार देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस जल्दी से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।